नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन कैसे करते हैं यह देखेंगे। हमारे पास फ्रेंड्स ये सीलिंग फ़ैन है और हमने इसके कनेक्शन जैसे कि खोल लिए हैं। अब हमको न तो इसमें यह पता है कि कौन सी वायर रनिंग है कॉयल की है और कौन सी स्टार्टिंग कॉयल की और कौन सी कॉमन है इसमें, तो इस और न ही हमारे पास टेस्ट लैंप है और न ही मल्टीमीटर, तो हम कनेक्शन कैसे करेंगे यह देखेंगे। तो ये फ्रेंड्स जैसे कि फ़ैन में तीन वायर आई है, फैंडिंग फ़ैन की जो वाइंडिंग है उससे तीन वायर बाहर आई, कई फ़ैनों में चार भी रहती है, इसमें तीन आई है, येलो रेड और ब्लू। तो इसमें हमको क्या करना है, तीन वायर ये हैं और ये जो दो वायर है ये कैपेसिटर की है, तो ये इसके साथ कनेक्ट करना है। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे कि हम दो वायर ले लेते हैं, रेड कलर की और येलो कलर की, ये येलो और रेड। इसमें ये कैपेसिटर की जो वायर हैं वो एक एक वायर कैपेसिटर की दोनों रेड और येलो वाली वायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। जैसे कि एक रेड के साथ हमने कनेक्ट की और एक वायर को हम येलो वाली वायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे, ये येलो के साथ ये हमने कनेक्ट कर ली। और इसमें हमारी ये वाली वायर जो ब्लू कलर की ये कॉमन बन गई, क्योंकि हमारे पास न तो मल्टीमीटर है और न ही हमारे पास टेस्ट लैंप है, तो हमको ये वाली वायर अभी कॉमन है। तो इस वायर में हमको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि ये दो हमने कैपेसिटर और दोनों कैपेसिटर वाले में कनेक्ट की येलो और रेड कलर की, इसमें हमने फेज और न्यूट्रल नहीं कनेक्ट करना। जैसे कि ये खाली ये बच गई, ये हमारी कॉमन, अभी हम समझ लेते कि कॉमन है, तो इसको क्या करना, जैसे कि टीवी है, ये टीवी है तीन टर्मिनल की, तो इसके नीचे वाले में कनेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए हमने ये कॉमन बना ली है, तो ये वायर को यहाँ नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। और ब्लू कलर सॉरी जो येलो कलर की वायर है उसको हम डमी पॉइंट में, यानी कि इसके सेंटर पॉइंट जो है वो डमी पॉइंट है, तो डमी में लगा देते हैं। ये हमने डमी के साथ कनेक्ट कर दिया। और रेड कलर की वायर जो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट की थी वो वाली वायर हम ऊपर, जिसमें हम इनपुट फेज कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने इसके कनेक्शन ऐसे किए, जैसे कि इसमें हम नीचे वाले में न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, ऊपर वाले में फेज, बीच वाले में कोई, मतलब ये एक डमी पॉइंट है तो इसमें हम कोई भी वायर नहीं कनेक्ट करेंगे। अभी ऊपर में फेज कनेक्ट कर देते हैं, फेज के लिए हम येलो कलर की वायर का इस्तेमाल करेंगे, जो इनपुट फेज आएगा इसमें। ये फेज वाली वायर कनेक्ट कर ली और इसके बाद हम न्यूट्रल वाली वायर, ये यहाँ नीचे वाले टर्मिनल में टीवी के न्यूट्रल वाली वायर, तो ये फ्रेंड्स न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ और फेज वाली वायर फेज के साथ हमने कनेक्ट कर लिए। अब हम इसमें फेज और न्यूट्रल लगा करके देखें कि हमारे कनेक्शन जो हुए हैं वो प्रॉपर हुए हैं या नहीं। तो येलो कलर की जो वायर है वो हम फेज में कनेक्ट करेंगे और रेड ब्लू कलर की वायर को हम न्यूट्रल में। ये फ्रेंड्स ये कनेक्शन अभी प्रॉपर नहीं है, जैसे ही हम इसमें पावर देते हैं तो ये फ़ैन चल नहीं रहा है, ओनली वाइब्रेशन कर रहा है। तो ये देखिए ये वाइब्रेशन कर रहा है अभी, यानी कि हमारे कनेक्शन प्रॉपर नहीं हुए हैं। तो इसमें हमको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे कि अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो वायर है रेड कलर की वायर इसको यहाँ से निकाल लेंगे, ये यहाँ से वायर को निकाल लेते हैं और इसमें से कैपेसिटर वाली वायर यहाँ से हटा देंगे। और जो ब्लू कलर की वायर है उसके साथ ही कैपेसिटर वाली वायर कनेक्ट करेंगे, ये जो कैपेसिटर वाली वायर है वो ब्लू कलर के साथ कनेक्ट करेंगे, ये ब्लू कलर वाली वायर और इसको कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये
ये डम्मी वाला डम्मी में रहने देते, येलो कलर वाली, ब्लू वाली को हमको अब क्या करना है, फेज के साथ कनेक्ट कर देना है ये फेज वाले में। और अब इसको हम रेड कलर को कॉमन बना लेते हैं, ये अब ये कॉमन की जगह कनेक्ट कर देंगे। ये हमने रेड कलर की जो वायर है वो कॉमन में कनेक्ट कर दी। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारे ये जो कनेक्शन हुए हैं वो प्रॉपर हुए हैं या नहीं हुए। तो फेज वाली वायर फेज में और न्यूट्रल वाली वायर न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। और अभी पावर देख देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कनेक्शन तो हो गए हैं, लेकिन अभी हमारा जो फैन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि उल्टा घूम रहा है। अगर फैन सीधा घूमेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो अभी जो फैन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगा तो उल्टा घूम रहा है हमारा फैन, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तभी हमारा सही डायरेक्शन में घूम रहा है। तो उसके लिए हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फैन को अभी बंद कर लेते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है, ये जो हमने वायर कनेक्ट की है ये वाली येलो कलर वाली वायर डमी पॉइंट से निकाल लेनी है, और जो ऊपर जिसमें हमने फेज कनेक्ट किया था, ये जैसे कि हमने ब्लू कलर वाली में फेज कनेक्ट किया था, तो वो वाली अभी डमी बना देनी इसकी, ये डमी, और येलो वाली में जो वायर है वो हम फेज वाले में कनेक्ट करेंगे। ये अभी अभी क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो अभी हम इसकी वायर जो है फेज फेज वाले में लगा देते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल वाली में। अब देख लेते हैं कि हमारे जो कनेक्शन है वो प्रॉपर हुए हैं या नहीं हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये फैन सही डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर नीचे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, अगर ऊपर हम देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखाई देगा हमको। तो ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।